हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? ईद तिवासित हो गई है, ईद को 4-5 दिन तो हो ही गए ऑलमोस्ट। तो मेरी ईद तो अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह, व्लॉग तो आपने देखा ही होगा। तो अभी वही डेली रूटीन, अभी कॉलेज तो है नहीं लेकिन मेरा सिंगिंग का चलते रहता है। तो आज मुझे जाना है भांडू, ठीक है? भांडू में मुझे बुलाए है, लाइक उधर है साई बाबा का है, वो साई बाबा की पूजा वगैरह है। तो मुझे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, मतलब हर साल मिला, 2 साल से मुझे मिल रहा है वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़। तो मुझे वो लोग ने लाइक इनवाइट किए कि आप आओ गाना गाओ करके। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी मम्मी मेरे साथ आ रहे हैं। तो अभी वहाँ पर जाते हैं, अभी बस मैं थोड़ा सा ही रेडी होंगी, फिर फटाफट मिलते हैं, पढ़ते हैं, फिर करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये रहा मेरा लुक, ये कांके। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत है ना, वी आर गेटिंग लेट, बहुत लेट हो रहा है हम लोग को। तो हम लोग फटफट जाते हैं, 10 मिनट में बस है, तो देखते हैं बस मिलती है या नहीं, होप सो मिल जाए। तो बस चलते हैं, ठीक है, बाय। तो अभी बस स्टॉप पे बैठे हैं हम लोग, बस अभी तक आई नहीं है, मतलब अंदर गई है वृंदावन में, यहाँ पर आई नहीं है। तो बस बस फटफट मिल, अरे नहीं अभी आई मम्मी बस को, नहीं नहीं ये वाली नहीं, हमारी का है, नहीं नहीं गई गई हमारी अंदर है, कलर सेम है ना, तो मैं थोड़ी क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो हमारी बस अंदर है तो आएंगी रिटर्न, ठीक है? तो फिर बताती हूँ मैं क्या होगा। तो फाइनली हम लोग को बस मिल गई थी और इतनी गर्दी थी ना बस में, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्दी थी। फिर जाके हम लोग भांडू बस आएंगे, तो हम लोग रुके बस स्टॉप पे, अभी बस से उतर गए हैं, अभी दूसरे बस स्टॉप पे रुके अंदर जाने के लिए, रिक्शा वहाँ जाती नहीं है, तो अभी वहाँ रुक के देखते हैं मिलते कि नहीं बस। उसके बाद फिर भांडुप से हम लोग को अंदर जाने के लिए रिक्शा बिल्कुल वहाँ पे नहीं मिलती है, तो हम लोग को बस ही करनी पड़ी। इसमें इतनी गर्दी थी ना, फिर जाके हम लोग को जगह मिली, फिर हम लोग बैठे और फिर जाके यहाँ पे जो जगह पे हमारा फंक्शन था वहाँ पे हम लोग पहुँचे। ये था कुछ ऐसा, यहाँ पे स्टेज बांधे थे ये वाला, ठीक है, और फिर बैठ के गाने का था मतलब। तो मैं और मेरे साथ और 2 लेडीज़ थे जो 2nd और 3rd विनर आए थे, वो तो वो लोग भी थे, तो उनके साथ गाए बस। मेरे को और मम्मी को वो लोग ने बहुत मतलब शॉल वॉल उड़ा के रिस्पेक्ट दिए, तो बहुत अच्छा लगा ये मेरे और मम्मी और मैं। फिर उसके बाद ये फ़ोटोज़ वगैरह निकालने थे वो लोग को, तो ये हम लोग ने फिर फ़ोटोज़ वगैरह निकाली, ये उनकी चाली के जो लोग हैं वो है, फिर ये फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, और ये रही मम्मी, ये मैं, और वो जो और 2 लोग हैं ना शॉल उड़े हुए, वो तो हम लोग को जाते थे घर जाते थे, 1 बज गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मेरे मम्मी का हमेशा का काम मेरी नज़र उतारना। तो फाइनली आ गए हैं हम लोग घर पे, कितने बज रहे हैं मम्मी अभी? 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी आधी रात तो हमारी ऐसी चली गई रास्ते में। तो बस आ गए और इतनी
कोई बात नहीं, मेरे पापा को नींद आ रही है, बहुत लेट हो गया ना इसके लिए। तो इतनी रिस्पेक्ट मिली है, मतलब बहुत अच्छी, मतलब इतना इज्जत मिली है। मैं डालूंगी, मतलब मैंने डाली हूँ, देख ही लेना, इतना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे मम्मी को भी रिस्पेक्ट दिए, मम्मी तो मेरे रो रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब हम लोग साईं बाबा को तो मानते हैं, साईं बाबा का ऐसा कोई धर्म ऐसा डिफाइन नहीं है, सारे धर्म के थे वो, हिंदू मुस्लिम सबके थे वो, तो साईं बाबा को हम लोग मानते ही हैं, और वो उनकी जो रहमत है, जो भी बरकत है वो होती ही है। तो बस इतनी इज्जत मिली, बहुत अच्छा लगा। मेरे गाने भी हुए, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि लिए कोई था ही नहीं रिकॉर्ड करने, बहुत सारी पब्लिक थी। हाँ, दूसरे लोगों ने करे लेकिन मेरा फ़ोन में मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है। तो बस होप्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी कल जाना है हम लोग को उड़न, मेरी छोटी वाली दीदी को लेने के लिए, तो उसका भी ब्लॉग आएगा। तो स्टे ट्यून, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और 1K प्लीज़ जल्दी कर दो, ठीक है। बाय।